यशोधरा पुलिस थाना अंतर्गत एक जेसीबी के दुकान में चोरी होने की वारदात सामने आई है, जहां क्राइम ब्रांच यूनिट 5 द्वारा की गई कार्रवाई में दुकान से चोरी हुए कुछ जेसीबी के पार्ट साथ ही 7,96,430 रुपयों का मुद्देमाल बरामद किया गया है और इस घटना में लिप्त 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड बताया गया। दरअसल यशोधरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कुछ दिनों पहले जेसीबी के दुकान से चोरी हो गई थी, जहां जेसीबी के कुछ पार्ट्स और कुल गिरीज से भरी 45 बाल्टियां चोरों ने चुरा ली थी। जानकारी के मुताबिक 3,46,000 का माल आरोपियों ने मौके से उड़ाया था। घटना की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच यूनिट 5 द्वारा मामले की निषाद की गई, जहां घटना में लिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आरोपियों से 7,96,430 रुपयों का माल बरामद किया गया है और आगे की जाँच यशोधरा पुलिस कर रही है। गौरतलब है कि चारों आरोपियों में से एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड बताया जा रहा है। पुलिस यशोधरा नगर हद्दीतून यादव नगर परिसरातून एक दिनांक 13 तारखेला एक जेसीबीचे पार्ट्स आणि ग्रीसचे बकेट्स एकूण 45 असा एकूण 3,46,000 रुपयाचा मुद्देमाल चोरीस गेला होता। त्यामध्ये आम्ही समांतर तपास करून एकूण 4 आरोपी निष्पन्न केले आणि एकूण संपूर्ण मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। त्यासोबतच मुद्देमाल वाहून नेण्यासाठी आरोपींनी वापरलेली बोलेरो पिकअप गाडी ती पण जप्त केली, असा एकूण 7,96,413 रुपयाचा मुद्देमाल एकूण जप्त करण्यात आलेला आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपूर।